मोदी फैक्टर कितना चलेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो मोदी फैक्टर 2018 में भी नहीं चला, तीनों राज्य जो थे उनमें देख लीजिए आप, और उसके बाद ब्रजेश जी ने जो बात बताई, इसलिए पूरे देश के चुनाव में जो अभी तक का आकलन है और जो डाटा है वो ये बताता है कि विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम नहीं करता। ठीक है, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो पहला ओपिनियन पोल आया था उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपये लाडली बहना को बांट दी, उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जनता में जो कल आपका ओपिनियन पोल आया उसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, तो ये मान के चलिए मध्य प्रदेश जनता ने लाडली बहनों ने मन बना लिया है कि हमारे लाडले भैया कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, कुछ भी हो जाए, योजना वो चला रहे हैं लेकिन कमलनाथ जी को फायदा हो जाएगा लाडली बहना का, ये आप बता रहे हैं ना? हाँ। हम नहीं बता रहे हैं, आपका अपने पोल बता रहा है कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं, हमारी सीटें अगर करोड़ों पर बांटने बाद बढ़ रही हैं तो लाडले भैया कमलनाथ। अच्छा, जिसको बोलना फटाफट यहाँ से शुरू करो, खड़े हो जाइए, खड़े हो, खड़े होकर बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं, जल्दी से, समय नहीं है, जल्दी जल्दी सबके पास आ रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश में प्रवक्ता नहीं थे जो मध्य प्रदेश में भी विषय रखने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता को भेज? ये कोई मसला नहीं है, ये कुछ और पूछ लीजिए, वो उनका इंटरनल है, वो हमारे पास बीजेपी के भी बड़े नेता दिल्ली वाले, उनके चाहे चुनावी वादे हों, उनकी चाहे टिकट की सूची हो, हर चीज इंटरनल ही क्यों होती है? जनता भी जानना चाहती है आखिर कितनी गुटबाजी है कि आज 6 महीने पहले टिकट जारी करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी आज तक एक भी प्रत्याशी को जनता के सामने नहीं रख पाई है। अरुण यादव जी कल एक पोस्ट करते हैं उसमें कमलनाथ जी की तस्वीर नहीं है, एक कविता लिखते हैं जो भाजपा के ऊपर कम तंज है, कांग्रेस पार्टी के अपने नेतृत्व के ऊपर ज्यादा है, ओबीसी वाद का दावा करने वाले राहुल गांधी जो पूरे देश को नफरत की आग में झुलसा रहे हैं, अपने छोटे में छोटे कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा पॉइंट ये है कि अगर मोदी का फैक्टर नहीं आ रहा है या विधानसभा मोदी फैक्टर नहीं आ रहा है तो उसका कॉम्पिटिटर कौन है? मैं यूथ से पूछना चाहती हूँ कि यूथ के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उसमें उसको कौन लग रहा है कि मोदी को कोई कम्पीट कर सकता है? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अभी भी कोई चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिख रहा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो उसका राज्य के विधानसभा चुनाव से क्या वास्ता है? उसका कोई वास्ता नहीं, मेरा जस्ट एक यूथ का क्वेश्चन था कि अगर उसको लग रहा है कि कोई और सरकार आएगी तो वो कॉम्पिटिटर है कौन आखिर? ठीक है, हाँ। सर, ये मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू फैक्टर की बात करता हूँ। 70 साल से जो हिंदुओं को तोड़ा है, आज इनको पता है कि हिंदू जागृत हो रहा है तो इनको हिंदू के वोट चाहिए, इसलिए हिंदू के नाम पे बजरंग जी के ऊपर केक काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।